ஹலோ நமஸ்கார் சஸ்ரியகால் வணக்கம் ஆப் சப்கா ஸ்வாகத் ஹை ஆஜ் ஹம் மேரா நாம் ஹை பிஆர் ஸ்டெல்லா ராஜ்குமாரி மே டிஎஸ்டபிள்யூஆர்எஸ் ஜேசி கேர்ள்ஸ் நல்ல கஞ்சா விகார் இப்ராஹிம் பட்னம் சே ஆயி ஹூம் ஆப் சப் கேசே ஹை அச்சே ஹை मेरे ख्याल से आप भगवान की दया से सब कुशल होंगे। घर पर ही रहिए और सकुशल रहिए, स्वस्थ रहिए। तो मैं सबसे पहले मैं अपने जो आदरणीय सेक्रेटरी सार के सेक्रेटरी सार को मैं अपनी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस जो ऑनलाइन के द्वारा इस अवसर देने के लिए मैं उनकी बहुत ही आभारी करती हूँ। अपना भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि सेक्युलर कंट्री, और लोकतांत्रिक देश है यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री। इसलिए मैं कहती हूँ कि जितनी चाहे उतनी भाषाएं सीखने के लिए प्रयत्न करना है। तो बच्चों, आज मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि दुनिया में कितनी भाषाएं हैं। अच्छा बोलो, दुनिया में कितनी भाषाएं हैं? ठीक है, तो दुनिया में कितनी भाषा है तुम्हें पता नहीं, तो मैं बोलूँगी दुनिया में कितनी भाषा है। इनका जो कहने का जो है इसका ठीक ठीक उत्तर देने में संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया में लगभग इसके अनुसार हम कहने से एक अनुमान है कि लगभग दुनिया में 6,809 या 7,111 से पूरे कुल भाषाएं हैं। तो लगभग 200 से 150 दुनिया में कुल 150 के अनुसार कुल भाषाएं कितने हैं? 6,809 से 7,111 ये अनुमान है। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि 200 से 150 भाषाएं ऐसी है, 200 से 150 भाषाएं ऐसी है जिसमें 10 लाख लोग बात करते हैं। 10 लाख से अधिक लोग बोलते हैं हिंदी। सो दुनिया में अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तीसरे स्थान पर है, यानी कि द टॉप मोस्ट थ्री लैंग्वेजेस स्पोकन इन द वर्ल्ड इज फर्स्ट वन इज इंग्लिश एंड द दूसरा है मैंडरिन चाइनीज भाषा और तीसरी है हिंदी। यानी कि अब इसके बारे में हम कहना है तो पहली जो भाषा है, पहले स्थान पर जो भाषा है अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेजी इंग्लिश। और दूसरी है मैंडरिन एंड तीसरी है हिंदी। ओके, यहाँ जो मैं कहना चाहती हूँ कि हिंदी इंग्लिश मैंडरिन यानी कि चाइनीज। सो 1,132 मिलियन
1132 मिलियन लोग बोलने की भाषा हिंदी है, पहली भाषा इंग्लिश है, और दूसरा है 1117 मिलियन लोग स्पीकर्स, एंड द हिंदी है 615 मिलियन लोग बात करने वाले हैं। ये कहाँ है कुल? दुनिया में, मतलब इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब तुम्हें पता चलना है कि हिंदी कितना ही आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मैं तुम्हें और हिंदी के बारे में मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, हिंदी हिंदी क्या है? हिंदी देश की दुनिया में तरकीब 55 करोड़ हिंदी बोलने वाले, हिंदी भाषा का जानकारी जानते हिंदुस्तान, ये दुनिया में, यानी कि दुनिया में हिंदी बोलने वाले की संख्या 55 करोड़ है, लगभग 55 करोड़ से ज्यादा है। और मैं कहती हूँ, और हिंदुस्तान में 25 करोड़ से ज्यादा, हिंदुस्तान का मतलब अपना भारत देश में 45 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी को बात करते हैं, यानी कि दुनिया में हिंदी 80 से ज्यादा लोग बोलते हैं। तो देश में लगभग 75 यानी कि 75% हिंदी बोलने वाले हैं। देश में लगभग 75 लोग हिंदी बोलने वाले हैं। तो इसी तरह मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध साहित्यकार महाकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा, जैसा कहा था कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति की मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटित न होय न सूल। इसकी भाषा, इसकी जो परिभाषा है, इसकी जो अर्थ है कि भारत की उन्नति के लिए आवश्यक है कि भारतवासी ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग करे। ठीक है, तो हम चलिए, आज हम जिस विषय के बारे में तुम्हें कहना चाहते हैं या तुम्हें परिचय देना चाहते हैं, तुम्हें चर्चा करने जाते हैं उसके बारे से, उससे पहले मैं आपको एक ऐसा छोटी सी अनुच्छेद के बारे में पढ़कर तुम्हें सुनाऊंगी। देखिए बच्चे, ये दिख रहा है अनुच्छेद। मैं इस अनुच्छेद को पढ़कर सुनाऊंगी। राजा चिड़िया प्यार रखा, चिड़िया देखने लोग दूर दूर आते थे, चिड़िया मधुर गाना सब बाथा था, चिड़िया संगीत सुनकर सब मन यही सोचते कि चिड़िया तुम कितना मधुर गाती हो। ये जो अनुच्छेद पढ़ने के बाद तुम्हें कितने हद तक तुम्हें
इस अनुच्छेद का अर्थ समझ में आया है। बताओ क्यों समझ में नहीं आया ना? हाँ, समझ में नहीं आया क्योंकि ये जो शब्द के जोड़ने वाले जो शब्दांश या शब्द यहाँ नहीं है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के से जोड़कर अर्थ बताने वाले शब्द और शब्दांश यहाँ नहीं लगाया गया है, इसलिए ये जो अनुच्छेद है, ये जो वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य कहलाए। मैं तुम्हें यहाँ उस जो भी शब्द और शब्दांश इसमें लुप्त है उसे मैं लिख कर फिर आपके सामने पढ़कर बताऊंगी। ये जो है, अब देखो मैं फिर इस अनुच्छेद को फिर से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ देखो, राजा ने चिड़िया को प्यार से रखा। चिड़िया को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। चिड़िया का मधुर गाना सबको भाता था। चिड़िया का संगीत सुनकर सब मन में यही सोचते कि है चिड़िया, तुम कितना मधुर गाती हो। ये है आपके लिए एक चिड़िया। अब तुम्हें समझ में आया है ना? ये जो शब्द या शब्दांश, बिना शब्द या शब्दांश के लिए स्ने को, से को, के लिए, से को, का, में, हाँ, है, ये जो शब्दांश है, इन शब्दांश के बिना कोई भी वाक्य अधूरा रह जाता है, बिना अर्थ वाले रह जाते। इसलिए कहते हैं कि इन शब्द और शब्दांश को हम कहते हैं कारक के चिन्ह और विभक्तियाँ, और कहते हैं इसे परसर्ग भी हम कहते हैं। तो आज हम इसी अंश पर हम कारक कितने प्रकार के होते हैं, उनके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम का किसी संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाले, यहाँ देखो बच्चों, ये संज्ञा है, संज्ञा और सर्वनाम है। ये जो संज्ञा मतलब राजा, ये क्या है? संज्ञा, राजा, चिड़िया, और प्यार से यानी कि सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से एक साथ संबंध निर्धारित करने, जो क्रिया से साथ संबंध निर्धारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्व या कारक, तथा संबंध स्थापित करने वाले शब्द या शब्दांश को कारक के चिन्ह या परसर्ग, विभक्ति के चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। तो हम हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। 8 प्रकार के कारक होते हैं। पहला है 8 प्रकार के पहला है कर्ता कारक। दूसरा है कर्म कारक। तीसरा है करण कारक। चौथा है संप्रदान कारक। पांचवा है अपादान।
कारक, छठवां है संबंध कारक। सातवां है अधिकरण कारक। आठवां है संबोधन कारक। ये जो आठ कारक के बिना कोई भी वाक्य असंपूर्ण होता है, बिना अर्थ वाले होती है। इनके जो कारक के जो चिन्ह है, कर्ता कारक का चिन्ह ने, कर्म कारक का चिन्ह को, करण कारक का चिन्ह से, संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में, पर, परसर्ग, और संबोधन कारक का चिन्ह है अरे हो। इस तरह के कारक, आठ प्रकार के कारक होते हैं, उनके विभक्तियां चिन्ह विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं, विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। ये कारक, कारक आठ प्रकार के कारक है, इनके विभक्ति चिन्ह या परसर्ग आठ प्रकार के होते हैं। तो हम इस आठ प्रकार के कारक, इनके विभक्ति चिन्ह के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब पहला जो है कर्ता कारक। वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने वाले का बोध होता है, यानी कि तब हम कर्ता कारक कहते हैं। अब उदाहरण के लिए, राजू खाना खाता है। राजू ने खाना खाया। सो कर्ता कारक का जो डेफिनेशन यानी कि है, क्या है? वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने वाले का बोध होता है। इस वाक्य में काम करने वाला कौन है? राजू है। सो काम करने वाला क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, यानी कि राजू काम करता है, इसलिए राजू करता है। सो ये कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। इसलिए हमने इसका जो विभक्ति चिन्ह ने का उपयोग किया गया है। और दूसरा जो है कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को, इसका उदाहरण है राजू ने रमेश ने रवि को
मारा। इस वाक्य में ये जो रमेश है कट्टा कारक है, इनके जो कार्य करने का फल कहाँ पर पड़ रहा है? रवि पर पड़ रहा है। तो रवि क्या है? कर्म कारक है। रमेश कर्म कारक का अर्थ है जो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है वो कर्ता कर्म कारक है। यानी कि यह रमेश है, ये रमेश काम, रमेश जो यहाँ करता है उसका जो फल रवि पर, जो मारने का फल रवि पर पड़ रहा है, इसलिए रवि कर्म कारक है। और दूसरा है करण कारक। कर्म कारक क्या है? क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ रहा है। हाँ, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर, जब क्रिया क्या हो रहा है? मारना। मारने का फल किस पर पड़ रहा है? रवि पर पड़ रहा है। तो रवि क्या है? कर्म कारक है। और अब हम आएंगे करण कारक में। करण का अर्थ होता है साधन। साधन का मतलब क्या है? किसी टूल या रिसोर्स, इसको कहते हैं साधन। साधन साधन संज्ञा का वह रूप जिसने क्रिया के साधन का बोध होता है। जो संज्ञा का वह रूप क्रिया का साधन का बोध होता है, मतलब यहाँ हम एक उदाहरण के लिखती हूँ। रानी ने राजू को लकड़ी से मारा। ये जो दो वाक्यों में, हमें दो वाक्यों में देखने से यहाँ रमेश ने रवि को मारा, सिम। तो इसमें क्या लग रहा? रानी ने राजू को लकड़ी से मारा। तो मतलब यहाँ हुआ है यह करण, यह जो लकड़ी है, ये जो है लकड़ी का उल्लेख किया है, करण है लकड़ी, मतलब ये साधन, साधन का उपयोग करके ये काम कर रहा है, मारने का काम जो कर रहा है लकड़ी के साथ, लकड़ी के साधन के साथ मारने का काम कर रहा है, इसलिए लकड़ी क्या है? करण कारक। लकड़ी, यहाँ देखो, रानी ने राजू को लकड़ी से मारा। यहाँ जो लकड़ी का साधन यहाँ दिख रहा है, उल्लेख कर रहा है कि लकड़ी से मारने का फल हो रहा है, यहाँ देखो, इसलिए करण कारक से। अब दूसरा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। माता ने बच्चों के लिए दूध लाया। माता ने बच्चों के लिए दूध लाया। यहाँ स्वच्छ रूप से यहाँ दिख रहा है कि के लिए, किसी के लिए कुछ देना, किसी को कुछ लेना, यही है संप्रदान कारक होता है। और दूसरा है अपादान कारक। अपादान कारक में पेड़ से पत्ता गिरता है। अपादान कारक का संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का किसी वस्तु का अलग होने का भाव प्रकट होता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ जो पत्ता है, पेड़ से गिरने का मतलब पेड़ से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। अलग होना, पत्ता पेड़ से गिरना मतलब अलग हो रहा है, इसे अपादान, अलग होने के भाव में इसे अपादान कारक कहते हैं।
अब यहाँ है संबंध कारक का के की रा रे री। ये जो है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध, अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे बिंदु मुकेश की बहन है, बिंदु जो इस वाक्य में संबंध कारक यानी कि मुकेश बिंदु के संबंध, मुकेश बिंदु मुकेश की बहन है, तो बिंदु और मुकेश के बीच में संबंध प्रतीत होता है, इसलिए की बहन। सो हमेशा सदैव संबंध कारक में विभक्ति चिन्ह लगाए जाते हैं। और दूसरा है अधिकरण कारक, इसकी जो विभक्ति चिन्ह है में और पर। सो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित हो, जिसी वस्तु का आधार सूचित होना बंदर चित्त पर बैठा है, यानी कि बंदर चित्त पर बैठा है, मतलब बैठने का जो क्रिया यहाँ है, सो इसका आधार क्या है? छत है। छत मतलब बंदर कहाँ बैठ, इसका आधार जो है छत। आधार जो है छत है, इसलिए यहाँ जो हम यहाँ तुम्हें समझाने की चाहती हूँ कि बंदर छत पर बैठा है, ये जो है अधिकरण कारक, इसका जो विभक्ति चिन्ह में परसर्ग पर। सो बंदर छत पर बैठा है, बैठने का यहाँ जो कार्य कर रहा है इसकी जो आधार है छत है, इसलिए यहाँ हम परसर्ग का विभक्ति चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो हम अब पढ़ेंगे संबोधन कारक। इस संबोधन कारक के विभक्ति है हे हरे हो। तो हम लिखेंगे हे भगवान रक्षा करो। तो संबोधन कारक का इस तरह का हम विश्लेषण इस तरह का है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना, चेतावनी देना या संबोधित करने का बोध होता है, तो इसे संबोधन कारक कहते हैं। सो हे भगवान हमें कोरोना से बचाओ, यानी कि यहाँ हम भगवान को पुकार रहे हैं, मतलब किसी को हम पुकारते हैं अपनी रक्षा करने के लिए, किसी को पुकारने में हम ये संबोधन कारक के विभक्ति हम यहाँ हे हरे हो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा है तो हम आज पढ़ेंगे ये जो कर्ता कारक के ने के बारे में, ने प्रयोग संबंधी नियम हम आज पढ़ेंगे। तो पहले ने का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ तथा सकर्मक क्रिया के साथ होता है। पहला ने का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत और संदिग्ध भूत वालों में ने का प्रयोग उपयोग होता है। शेष अपूर्ण भूत को छोड़कर पूर्ण भूत सब चार पांच भूतों में इसका उपयोग होता है। तो सामान्य भूत। सो कर्ता कारक ने का प्रयोग संबंधी नियम, ने का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ, जब क्रिया सकर्मक तथा
सामान्य बोध, आसन्न बोध, पूर्ण बोध और संदिग्ध बोध कालों में ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे राकेश ने पुस्तक पढ़ी, ये सामान्य बोध है। और रोहन ने खाना खाया है, आसन्न बोध। मीरा ने नृत्य किया है, पूर्ण बोध। मीरा ने नृत्य किया है, संदिग्ध बोध। सो मीरा ने अभ्यास किया हो तो वह नृत्य कर पाती। मतलब ये जो है हेतु हेतु मत बोध, और जो ने का कर्ता के ने का प्रयोग संबंधी ने का प्रयोग संबंधी अकर्मक क्रिया के साथ, सामान्यतः अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे राजू, राजा रोता है, सुधा गई, तो लेकिन नहाना, छींकना, थूकना आदि में ने का प्रयोग होता है। जैसे उसने छींका, आपने नहाया, तो इस तरह के हम ने का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो नियम है, सकर्मक क्रियाओं के साथ भी कर्ता के साथ वर्तमान और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता। पुष्पा रोटी खाएगी, ये जो वाक्य है भविष्य काल में है, मैं दूध पीता हूँ, ये जो है और वर्तमान काल में है, इसलिए यहाँ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। और चौथा नियम है, जिन वाक्यों में बोलना, भूलना, लाना, ले जाना, चुकना आदि सहायक क्रियाएं आती है, उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं लिखना भूल गया, वह पुस्तक पढ़ चुका। और जो हम कर्म कार्य के बारे में हमने कहा था कि क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है वो कर्म कारक है। कर्म कार्य के प्रयोग के संबंधी नियम इस तरह है। पहला है, कर्म कारक में को का प्रयोग चेतन या सजीव कर्मों के साथ होता है। चेतन या सजीव कर्म, चेतन का मतलब है जो मूवमेंट होता है, सजीव जो जी रहा है उसे सजीव कहते हैं। उसके साथ जो कर्म कारक का संबंधी कार्य का ने का प्रयोग होता है। जैसे महेश ने सुरेश को पत्र लिखा और अशोक ने बाबू को पुस्तक दी। इन दो वाक्यों में सुरेश और बाबू क्या है, वो सजीव है और चेतन है, इसलिए यहाँ ने का प्रयोग किया गया है। जबकि अचेतन या निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता। जैसे अरुणा ने पत्र लिखा, फूल मत तोड़ो। इस जो दो वाक्यों में पत्र और फूल क्या है, निर्जीव है, अचेतन है, इसलिए इसमें क्या हुआ, को का प्रयोग नहीं किया गया है। और तीसरा है, दिन, समय और तिथि प्रकट करने के लिए को का प्रयोग होता है। जैसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। सो ये जो कारक, कर्म कारक के संबंधी नियम पहला जो है, और दूसरा, तीसरा है, जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कर्म कारक की भांति होता है, तब उसके साथ कर्म कारक का उपयोग होता है। जैसे भक्तों को मंदिर में जाने दो। यहाँ जो भक्त है, भक्त का शब्द है विशेषण, इसके भक्त जो शब्द है संज्ञा है, पर यहाँ हम विशेषण के रूप में भक्त का उपयोग कर रहे हैं। तो दूसरा, चौथा नियम है, भुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना इत्यादि क्रियाओं में कर्मों के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे माँ ने बच्चों को खिलाया,
इस तरह के खिलाने का वो जो क्रिया है, इसलिए हम ने का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये था कुछ ऐसे नियमों के बारे में हम पढ़े थे। और एक हम करण कारक और अपादान कारक का कारक में अंतर। पहला है, करण कारक का प्रयोग साधन अर्थों में किया जाता है और अपादान कारक का प्रयोग पृथक होने के अर्थ में किया जाता है। इन दोनों कारक का विभक्ति चिन्ह से है, इसलिए इन दोनों का अंतर एक में साधन है और दूसरा अलग होने के भाव में प्रकट हो रहा है। ये है। और कारक संबंधी और जो अधिकरण कारक का प्रयोग संबंधी नियम भी यहाँ है। स्थान, समय, भीतर या सीमा का बोध करने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे कलम मेज पर रखी है, समय पर पाठशाला आना। ये जो मेज पर रखी है यानी कि ये सीमा, ये स्थान का बोध कर रहा है। और समय पर पाठशाला आना, ये जो सीमा की बोध कर रहा है। तो दूसरा है, तुलना, मूल, अंतर का बोध कराने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुलाब सभी फूलों में सुंदरतम है, यह साड़ी 1000 में बिक रही है। यानी कि इस दोनों उदाहरण में पहला जो है अंतर, यानी कि पहला जो है तुलना कर रहे हैं, सब फूलों में गुलाब सुंदरतम है, और दूसरे में यह साड़ी 10000 में बिक रहा है, यानी कि ये जो मूल है। और दूसरा, तीसरा नियम है, निर्धारण और निमित्त प्रकट करने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे छोटी सी बात पर नाराज मत हो, ये जो है यहाँ क्या कर रहा है, निमित्त इसके वह निर्धारित कर रहा है, तो ये जो यहाँ इसका भी प्रयोग किया जा रहा है। तो आज हम कारक 8 प्रकार के कारक, 8 प्रकार के चिन्ह के बारे में जानकारी किया था। तो उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह और एक बार पढ़िए। और जो मैं परियोजना कार दे रही हूँ, इसके जो प्रश्न में यहाँ दिया गया हूँ, मैं इसके प्रश्न के एक बार मैं पढ़कर तुम्हें सुनाऊंगी। हिंदी में कितने प्रकार के कारक होते हैं और उनके विभक्ति चिन्ह लिखिए। कर्ता कारक के चिन्ह ने के प्रयोग संबंधी नियम लिखिए। धन्यवाद।